यूनिवर्सिटी है, बोगो मिलट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पढ़ता था। कब वहाँ से लौटे हैं? फरवरी में, 14 फरवरी को आया था। अभी क्या स्थिति है एजुकेशन का? अभी हमारी क्लासेस जो भी है ऑनलाइन चल रही है, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल ही रहा है, वॉर वहाँ पे रुका नहीं है, इसलिए ऑनलाइन किसी तरह क्लासेस चल रही है। जिस दिन मिसाइल अटैक होता है उस दिन क्लासेस कैंसिल हो जाते हैं, पोस्टपोन हो जाते हैं, इसी तरह से चल रहा है। मेरा भतीजा उत्कर्ष राज तीसरा ईयर में यूक्रेन शहर से MBBS की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं न सिर्फ अपने भतीजा के लिए यह बात कहना चाहता हूँ, मैं भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि उत्कर्ष राज जैसे बहुत से जो बच्चे हमारे विदेश में अपने कोई फाइनल ईयर में था, कि दूसरे ईयर में, कोई तीसरे ईयर में, उन लोगों को भविष्य को देखते हुए हम भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं और ये सलाह भी देते हैं कि उन बच्चों को भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं, चाहे देश में हो या अन्य किसी जगहों पर, उनको व्यवस्थित किया जाए, उनके जीवन का से खिलवाड़ नहीं किया जाए।